अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू रुहान खान टेक। आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे ये एक सुपर ट्रेंडिंग फ़ोन की, रेडमी नोट 9 और इसका 3GB 32GB वेरिएंट, जो कि अपने स्पेक्स और अपने डिज़ाइन की वजह से एक सुपर ट्रेंडिंग फ़ोन बन चुका है। फ्रेंड्स, ये मार्केट में बहुत तलाश के बाद मुझे ये वाला वेरियंट इसका मिला है। ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, जिस शॉप से भी मैंने मालूम किया वहाँ पर इसका स्टॉक अवेलेबल नहीं था। और इसकी यही वजह है फ्रेंड्स कि इसके स्पेक्स और इसकी डिस्प्ले और इसका डिज़ाइन इसके प्राइस के लिहाज से बहुत मुनासिब है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, इसका रैपर मैंने पहले ही उतार दिया था, इसलिए कि शॉप से परचेज़ करते हुए एक बार डिवाइस को देखना ज़रूरी होता है। बाकी मैंने इसको कुछ भी नहीं छेड़ा, मैं आपको इसकी कंप्लीट अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ। ये कुछ की स्पेक्स इसके बॉक्स के ऊपर मेंशन है। रेडमी 9, ये इसका ओशन ग्रीन कलर है और 3GB और 32GB वाला वेरिएंट है। ये दो वेरिएंट पाकिस्तान में लॉन्च हुए हैं, एक 4GB 64GB वाला है जिसके प्राइस टैग 27,500 है, और ये 3GB 32GB वाला वेरियंट जो है इसकी रिटेल प्राइस जो है वो 21,500 रुपये है मार्केट के अंदर। लेकिन चूंकि ये अपने प्राइस के लिहाज से और अपने स्पेक्स के लिहाज से एक बहुत ज़बरदस्त फ़ोन है, इसलिए आउट ऑफ स्टॉक है। आजकल मार्केट में बहुत हिट है और शॉप्स पर इसका अवेलेबिलिटी तकरीबन नामुमकिन है ईद से पहले। तो चलिए इसको मैं खोलता हूँ। ये बॉक्स में सबसे पहले आपको इन्वेलप, इसके अंदर ये इसका सिम इंजेक्शन टूल है, इसको मैं साइड पर रख देता हूँ। इसके बाद ये इसकी बुकलेट्स हैं फ्रेंड, और ये एक सिलिकन केस है इसका जो इसके बॉक्स में अवेलेबल है इसके साथ फ्रेंड्स। इसके अलावा ये डिवाइस है आपके सामने, ये ओशन ग्रीन कलर है, 13 मेगापिक्सल AI क्वाड कैमरा, 4 कैमराज है इसके अंदर। मेन सेंसर जो है वो 13 मेगापिक्सल का है और 5020 mAh की बैटरी है फ्रेंड्स इसके अंदर, और ये 18 वाट फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है। अगेन ये एक बहुत, और फ्रेंड्स ये 6.53 इंच फुल HD डिस्प्ले है, अगेन 1080p फुल 1080p डिस्प्ले फ़ोन के अंदर दी गई है फ्रेंड्स। इस प्राइस टैग में 1080p डिस्प्ले ये वाला ये पहला ही फ़ोन होगा फ्रेंड्स, क्योंकि इस प्राइस टैग और इससे ज़्यादा की प्राइस में भी 720p स्क्रीन देखने को मिलती है। तो ये फ़ोन एक और इसका की फीचर यही है कि इसकी डिस्प्ले 6.53 इंच फुल HD डिस्प्ले है। उसके बाद इसके अंदर हाई परफॉर्मेंस हीलियो G80 प्रोसेसर दिया गया है फ्रेंड्स, जो कि गेमिंग प्रोसेसर है, और आपके आप अगर पबजी जैसी गेम्स खेलते हैं एज फॉल्ट पबजी, तो आपको गेमिंग के अंदर कोई लैग महसूस नहीं होने वाला, ये आपको गेमिंग में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने वाला है फ्रेंड्स। ये एक बहुत फास्ट प्रोसेसर है। 13 मेगापिक्सल AI क्वाड कैमरा, 5020 mAh बैटरी विद 18 वाट फास्ट चार्जर, 6.53 इंच फुल HD डिस्प्ले और हाई परफॉर्मेंस हीलियो G80 प्रोसेसर, ये इसकी की फीचर्स हैं फ्रेंड। यही वजह है कि ये फ़ोन एक ट्रेंडिंग फ़ोन बन चुका है इस प्राइस टैग के अंदर। 21,500 रुपये इसकी रिटेल प्राइस है, और इसके अंदर इतने अच्छे स्पेक्स वाला शायद ये पहला ही फ़ोन है रेडमी का। तो चलिए फ़ोन दोस्तों मैं इसको ऑन करता हूँ। जब तक ये फ़ोन बूट अप होगा फिर इसको अनरैप करते हैं, तो बॉक्स में देख लेते हैं कि हमारे पास मज़ीद क्या क्या एक्सेसरीज़ हैं। ये फ्रेंड्स USB टाइप सी को सपोर्ट करता है, और ये टाइप सी की केबल है बॉक्स के अंदर, और ये 10 वोल्ट का आउट ऑफ द बॉक्स चार्जर है। इसके अंदर 18 वोल्ट का
फास्ट चार्जर इंक्लूड नहीं है बॉक्स के अंदर, वो आपको सेपरेटली परचेज करना पड़ेगा। और ये फ़ोन 18 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन इसके अंदर बॉक्स के अंदर आपको 10 वाट का ही चार्जर मिलता है। चलिए फ्रेंड, मैं जल्दी से डिवाइस को अनरैप कर देता हूँ और उसके बाद आपको ये इस डिवाइस की लुक है। फ्रेंड, ये ओशियन ग्रीन कलर है जो कि बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। ये बॉटम पर इसके यूएसबी टाइप सी पोर्ट है, ये स्पीकर ग्रिल है, माइक्रोफोन और 3.5 mm ऑडियो जैक। ये राइट साइड पर पावर बटन, वॉल्यूम रॉकर और टॉप एंड पर फ्रेंड्स ये नॉइस कैंसिलेशन माइक दिया गया है इसके अंदर। उसके साथ आईआर ब्लास्टर है, इसको आप एज ए रिमोट कंट्रोल भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने एसी टेलीविजन सेट के साथ। और लेफ्ट साइड पर ये सिम ट्रे है, इसको मैं देख लेता हूँ कि इसके अंदर सिम सिचुएशन में क्या है। इसके अंदर सेकंड सिम के लिए डेडिकेटेड स्लॉट दी गई है, दो सिम और माइक्रो एसडी कार्ड आप एक साथ यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। ये भी बहुत अच्छी बात है और प्लस पॉइंट है इस डिवाइस का। फ्रंट साइड पर फ्रेंड्स 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है जो कि वाटर ड्रॉप नॉच के अंदर दिया गया है। और बैक एंड पर इसके क्वाड कैमरा सेटअप है, मैन सेंसर इसका 13 मेगापिक्सल का है जो कि एक वाइड एंगल लेंस है। उसके बाद आपको 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर इसके अंदर दिया गया है। और 2 मेगापिक्सल के इसके अंदर अलग से डेप्थ सेंसर मौजूद है। टोटल 4 कैमरा है और ये फिंगरप्रिंट स्कैनर इसकी बैक साइड पर है। फ्रेंड्स, बहुत अच्छी लुक है इसकी फ़ोन की। तो चलिए मैं डिवाइस को जल्दी से सेटअप कर लेता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ इसके मेन्यूज़ और बाकी सारे फीचर्स। जी तो फ्रेंड्स, हमारा डिवाइस सेटअप हो चुका है। इसमें आउट ऑफ द बॉक्स MIUI 11 विद एंड्रॉयड 10 आपको मिलता है। और फ्रेंड्स, इस पे MIUI 12 की अपडेट इस सेट के लिए अनाउंस की जा चुकी है। तो जल्दी इस सेट के ऊपर वो अपडेट आपको रिसीव हो जाएगी। तो ये MIUI 12 को सपोर्ट करता है और वो अपडेट आपको इसके ऊपर रिसीव हो जाएगी। बहुत ज़बरदस्त डिस्प्ले है फ्रेंड्स, इसके कलर्स और बहुत शार्प हैं, व्यूइंग एंगल्स भी बहुत ज़बरदस्त हैं इस डिस्प्ले के। ये इसका मेन कैमरा है फ्रेंड्स। कैमरा रिज़ल्ट भी इसका बहुत ज़बरदस्त है, कलर्स, कंट्रास्ट रेशो वगैरह बहुत बेहतरीन है फ्रेंड्स। मैं इसका डेप्थ रिव्यू भी दूंगा आपको अपने चैनल के ऊपर इसको इस्तेमाल करके, और उसके बाद मैं इसके आपको रिव्यू भी दूंगा अपने चैनल के ऊपर।
तो फ्रेंड्स अगर देखा जाए ओवरऑल इसकी लुक, इसकी स्पेक्स, इसकी प्राइस, तो ये एक ऑसम डिवाइस है इस 21,500 प्राइस टैग के अंदर। अगर आप इसको ऑफलाइन मार्केट से परचेज़ करेंगे तो आपको 20,000 के लगभग मिल जाएगा डिस्काउंट के साथ। फ्रेंड्स आप अगर आप गेमिंग यूज़र हैं और गेम्स खेलना चाहते हैं और आपका बजट 21,000 के अराउंड है और 25,000 से बिलो आपका बजट है, तो मैं डेफिनेटली आपको यही फ़ोन परचेज करने की रिकमेंड करूँगा। आप ये फ़ोन परचेज़ करें और ये आपको मायूस नहीं करेगा। ये स्पेक्स के लिहाज से और ओवरऑल लुक के लिहाज से एक बहुत ऑसम फ़ोन है। तो फ्रेंड्स इसके बाद मिलेंगे इसकी इन डेप्थ रिव्यू के अंदर, तो मैं आपको दिखाऊंगा इसके कैमरा रिज़ल्ट और बाकी इसके फीचर्स वगैरह, बैटरी टाइमिंग वगैरह। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। अपनी दुआओं में याद रखें फ्रेंड्स। अल्लाह हाफ़िज़।